वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकाय तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटेश्वरं मृत्युलोके महाकालं लिंगं त्रयी नमोऽस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्क्रपातमहं वंदे परमानंदं माधवं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहताः प्रणस्मता या देवि सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं
मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भूलिसियावर रामचंद्र भगवान की जय अयोध्या नाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय उमा संग महादेव जी की जय पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय महाकालेश्वर भगवान की जय हर सिद्धि मैया की जय हाटकेश्वर भगवान की जय शिप्रे मैया की जय अवंतिका धाम की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय
परम करुणामय भक्तवत्सल कृपा सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र जी की असीम असीम अनुकंपा से भूत भावन करुणा उदार भगवान महाकालेश्वर की असीम अनुकंपा से परम करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माँ हर सिद्धि की कृपा से कुल देवता इष्ट देवता भगवान भाग्येश्वर की असीम अनुकंपा से और कुलदेवी जगत जननी माँ अन्नपूर्णा की असीम असीम अनुकंपा से हम सबको ये सुखद सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं तो मार्ग में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। यदि हमें अपने लक्ष्य का पता ठीक से है तो हम भटकेंगे नहीं, और यदि हमने केवल मार्ग को देख करके चलने लगे तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो मार्ग से पहले आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं ये पहले पता होना चाहिए। जो कर्म करने के पश्चात हमारे मन में यदि भगवान का स्मरण बनता रहता है और कर्म करने के बाद हमारे को शांति मिलती है तो वो ठीक है। लेकिन यदि आपसे कोई ऐसा कर्म हो गया और बाद में आपको अशांति हो गई तो इसका अर्थ हुआ कि आपका लक्ष्य ठीक नहीं था। जीव भूल ही करता है। जीव की सबसे बड़ी भूल यही होती है उस सुख मांग करके कर्म तो कर्म लगता है और संसार में सुख प्राप्त करने के लिए जब वो कर्म करता है तो अंततः उसको दुख मिलता है। और दुख मिलने के बाद उसको पश्चाताप होता है। इसीलिए कर्म ऐसा होना चाहिए जिसकी परिणति ईश्वर से हमको जोड़ दे। वो कर्म करने के बाद आपको ईश्वर का स्मरण हुआ कि नहीं, वरना तो हम कई बार देखते हैं कि यात्रा करते हैं, सत्संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, विश्राम नहीं मिलता है। कई लोग तो कहते हैं थक गए, बोले आज थक गए। बल्कि होना यह चाहिए कि आप कर्म करने के बाद आपको क्या मिले, विश्राम, शांति। आज आनंद आ गया, आज का जीवन, आज का दिन हमारा बड़ा आनंद में रहा। रात्रि में जब हम शयन करने जाएं तो हमारे मन में ये भाव हो कि भगवान की कृपा से
हमारा दिन आज सार्थक है, क्योंकि यदि आपने दिन भर ऐसे कर्म किए हैं जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो वो आपको शांति दे देंगे, आपको विश्राम दे देंगे। और यदि ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम हो गया जो नहीं करना चाहिए था तो आपको रात्रि भी अशांति में ही बीतेगी, और जिसकी रात्रि अशांति में बीतेगी ना उसको जो सुबह होगी ना वो भी अशांति में प्रारंभ होगी, क्योंकि वो टेंशन लेके सोया, तनाव लेके सोया, वो तनाव लेके उठेगा। ये जो मैं कह रहा हूं ये आज की कथा का आधार है कि आपको कर्म कहां ले जा रहे हैं। यदि मार्ग सुंदर है तो पहले पता लगाओ कि ये जा कर रहा है, लेकिन यदि अपना लक्ष्य महान है, अपना उद्देश्य पवित्र है तो भले जीवन में कांटे भी आ जाए तो कांटे को स्वीकार कर लेंगे, तो अंततः वो आपकी मंजिल को सुंदर मंजिल तक पहुंचाने वाला है। इसीलिए राम कथा के पूर्व शिव कथा आती है। कल की कथा शिव कथा पर आधारित थी, इसीलिए थी कि पहले आप संतों का साथ रख लो, विश्वास का साथ रख लो, फिर यात्रा पर चलना भगवान की, ऐसे ही मत निकल जाना बिना संत के बिना श्रद्धा के, ईश्वर के पास मत जाना भैया, वरना ईश्वर भी प्रकट हो जाएगा तो भटक जाओगे। नहीं गोस्वामी जी तुलसीदास जी बार बार कहते जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, उनके लिए तो मार्ग दुर्गम है, क्योंकि दुर्गम काज इतने सकल है कि यहां तक आना ही बड़ा कठिन काम है, यहां तक आना ही प्रभु कृपा से ही होता है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सेल विशाला, अति हरि कृपा जहां पर हुई पाव देव ही मार्ग सोई। जिस पर अति हरि कृपा होती है ना, अति हरि कृपा, इसलिए शिव कथा का कल हमने वर्णन किया था। भगवान शिव का विवाह हुआ परम रम्य कैलाश पर्वत पर, भगवान आशुतोष विराजमान है उस कैलाश पर्वत पर। शीतल मंद और सुगंधित पवन निरंतर बहते रहते हैं निरंतर, क्योंकि पवन के तीन गुण होते हैं, एक तो वो शीतल होना चाहिए, दूसरी वो मंद होना चाहिए, यदि वो तीव्र बहेगी तो आंधी आ जाएगी तूफान आ जाएगा, तो दूसरा गुण है मंद, और पवन का तीसरा गुण है सुगंध। पवन में यदि सुगंध हो तो उसका आनंद ही कुछ होता है। ऐसे परम रम्य कैलाश पर्वत पर भगवान आशुतोष विराजमान है, और उस वहां पर एक विशाल वटवृक्ष है, उस विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर गए हैं, और अपने हाथ से उन्होंने आसन बिछाया है, मृग चर्म बिछाया है, और भगवान प्रसन्न होकर के बैठे हुए हैं, आनंदित होकर के बैठे। कुंद इंदु के समान गोर वर्ण है,
चोरों की लालिमा ऐसे प्रकाशित हो रही है मानो भक्तों के अंधकार के हृदय के अंधकार को दूर करने वाली हो। त्रिपुण धारण किया हुआ है, मस्तक पर गंगा जी प्रवाहित हो रही है, द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, और भगवान शंकर जब प्रसन्न होकर बैठे हैं उसी समय मां पार्वती ने उसी समय जान करके प्रणाम किया और आकर के उनके अपने मस्तक को जब उनके चरणों में रखा तो भगवान शंकर ने अपनी बाईं ओर उनको बैठने के लिए आसन दिया, क्योंकि पत्नी का स्थान वामांगन होता है। और जब मां जगत जननी पार्वती बैठी तो उनके मन में ये उचित सुअवसर दिखाई दिया कि जब राम जी को देख करके मुझे मोह हुआ था कल की कथा में, तो आज मैं राम कथा सुन करके उसके संदेह को दूर करना चाहती हूं। राम जी को देख करके तो संदेह हुआ, लेकिन राम जी की कथा सुन करके पार्वती जी का संदेह दूर हुआ। ये बड़ी अजीब बात है, ये तो विचारणीय बात है कि उन्होंने देखा तो संदेह हुआ, लेकिन जब सुना तो दूर हुआ। ईश्वर के विषय में ये बात कही जाती है कि ईश्वर को पहले बहुत सुनो फिर बाद में दर्शन करो। हमारे शास्त्रों को, वेदों को एक नाम दिया गया श्रुति, हमारे यहां एक परंपरा है जिसे हम कहते हैं श्रुति, जिसमें गुरु कहते हैं और शिष्य सुनते हैं और फिर उसका वो आवर्तन करते हैं। संसार में हम जब जाते हैं तो किसी को प्रमाण देना हो तो किस बात का हम प्रमाण देते हैं, मतलब किस बात पर हम जोर देते हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि हमने उसको आंखों से देखा है। जब गवाही भी होती है तो गवाह जब प्रस्तुत करता है न्यायाधीश के सामने तो बोले तुम कैसे ये साबित कर सकते हो, तो वो प्रमाण देता कि साहब मैंने ये अपनी आंखों से सुना है। लेकिन वो यदि कहते कि मैंने कानों से सुना है तो मानेंगे क्या उसके बाद? कोई कहे कि हमने कानों से सुना है साहब उसने उसकी हत्या की है तो क्या न्यायाधीश मानेगा? पर हाँ यदि वो कहते कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तो उसकी गवाही। लेकिन ईश्वर के विषय में ये उल्टी बात है, ध्यान रखना। ईश्वर के विषय में ये बात आती है कि पहले ईश्वर के विषय में बहुत सुना है हमने, वहां तो श्रुति प्रमाण है, वहां तो जब संतों के मुख से हम बार बार कथा सुनते हैं तब ईश्वर की मूर्ति हमारे हृदय में आती है। इसीलिए सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने विभीषण को भगवान की कथा सुनाई तो जब विभीषण भगवान की शरण में आए तो उन्होंने एक ही बात कही है। उन्होंने क्या कहा? श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव वीर त्राही त्राही आरती हर सरल सुखर रघुवीर। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु, मैं आपका नाम सुनकर के आया हूं और भगवान के विषय में आप जितना सुनेंगे जितना बार बार आवर्तन करेंगे
उतनी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। यदि किसी की भगवान के प्रति आस्था कम है, विश्वास कम है, इसका अर्थ उसने सत्संग कम किया है, कम सुना है। ईश्वर के विषय में यही बात आती है, इसीलिए मां पार्वती ने कहा कि प्रभु अब मुझे आप राम कथा सुनाइए। एक तो गंगा आपके मस्तक से निकल रही है, आज एक दूसरी गंगा को आप प्रकट करिए, और वो राम रूपी गंगा, वो राम कथा रूपी गंगा जब आपके मुख से प्रवाहित होगी, उस गंगा में जितने लोग स्नान करेंगे सब पवित्र और पावन हो जाएंगे। इसलिए मां पार्वती ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आप राम कथा का श्रवण कराएं। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु राम जी हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। कई लोग बोलते ना भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, और इसका उत्तर जब भगवान शंकर ने कहा तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पार्वती मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखे की विहीना। जिसके पास दर्पण नहीं है, जिसके पास नयन नहीं है, वे कभी भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं। भगवान को देखने के लिए जो दर्पण चाहिए, दृष्टि चाहिए, वो किसी के पास है ही नहीं। संसार को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है, और स्वयं को देखना हो तो वहां दो चीज लगेगी, एक से काम नहीं चलेगा। बोले ऐसा क्यों, बोले दूसरों को देखना तो सरल है अपने दृष्टि से, लेकिन जब स्वयं को देखना पड़ेगा तो आपके सामने दृष्टि भी होनी चाहिए और दर्पण भी होना चाहिए। और यदि दृष्टि दूषित हो गई तो, यदि आंख में कोई रोग हो गया तो भी देख नहीं पाएंगे, हो जाता है ना रोग, मोतिया बिंद हो जाता है, कई बीमारी होती। और यदि दर्पण मलिन हो तो, यदि दर्पण में मेल हो गई तो तब भी हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो दृष्टि भी निर्मल होना चाहिए, वो दर्पण भी स्वच्छ होना चाहिए। जब ये दोनों बात होगी तभी हम अपने आप को देख पाएंगे, तभी तो भगवान के दर्शन होंगे। और ये जो दृष्टि है ना, ये केवल बाहरी दृष्टि नहीं है, वो तो विवेक की दृष्टि है। और ये दर्पण कौन सा है, ये बाहर वाला दर्पण नहीं है, ये हमारा मन ही क्या है, दर्पण है। जब विवेक की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी और हमारा मन रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा, तब शंकर जी कहते हैं उस समय भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, ये कितना सुंदर सूत्र भगवान ने हमको सामने दे दिया। इसलिए पार्वती अपने दृष्टि को स्वच्छ और पवित्र बनाने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए इस कथा में प्रवेश करो। कितनी सुंदर बात, ये राम कथा हमें दृष्टि देती है, राम कथा हमारे मन को पवित्र बनाती है।
इसलिए भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए। और जब कोई प्रसन्न हो जाता है ना, तो वो फिर लुटाना चाहता है, देना चाहता है। अब जिससे हम प्रेम करें तो हमारे मन में ये भावना आती है कि हम उसको क्या दे दें। और यदि हमारे मन में देने की भावना नहीं आई है तो उसका मतलब प्रेम हुआ नहीं है। जब माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसको देना चाहती है, इसको हम ये दे दें, इसको ये दे दें। जब शुरू शुरू विवाह होता है ना, तो वो चाहता है प्रियतम कि मैं अपने इनको कुछ दे दें, गिफ्ट कर दें, और क्या दे दें इनको, और क्या दें। माँ बाप चाहते हैं बच्चे को दें, गुरु चाहता है शिष्य को दें। यदि देने की भावना आई है तो इसका मतलब आपको प्रेम है। आप भगवान को क्या दे रहे हैं? यदि भगवान को देने में हमारा भाव आ रहा है, मतलब हमें भगवान से प्रेम है। इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि मैं तुम्हें आज देता हूं। और वो ऐसी चीज दे रहे हैं जो केवल पार्वती के लिए नहीं, हम सबके लिए कल्याणमय है, मंगलमय है। और भगवान शंकर जी ने कहा कि पार्वती, राम जन्म के जो कारण हैं, मैं तुम्हें आज कह रहा हूं। राम जन्म के बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं होता है। राम जन्म के तुवने का, राम जन्म का, राम जन्म के तुवने का, जो भगवान के परम प्रिय थे। एक बार संकादिक ऋषि जब भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए तो जय विजय ने संकादिक ऋषियों को रोक दिया। तो संकादिक ऋषि तो भगवान की लीलाओं में सदा निमग्न रहते हैं, और उन्होंने कहा कि तुम भगवान के भक्त होकर भी हमें भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो। तो संकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, वो क्रोध में आकर के उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। अब देखिए, यह एक संकेत है कि जब भगवान के इतने निकट होने के बाद भी जय विजय द्वारा ब्राह्मण का अपमान हो गया और उन्होंने ब्राह्मणों को भगवान के दर्शन के लिए रोक दिया, और दूसरी तरफ संकादिक ऋषियों द्वारा भी क्रोध में आकर के जय विजय को श्राप दे दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि
सावधानी नहीं हुई तो मंदिर में जाकर भी हम काम क्रोध लोभ से ग्रस्त हो सकते हैं। कई बार देखते हैं ना, मंदिर में जाकर भी लोग झगड़ लेते हैं, आए दर्शन के लिए लेकिन झगड़ पड़ते। वहां जाकर भी यदि हमारे मन में सावधानी नहीं रही तो पतन होने की संभावना प्रबल है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि तीर्थों में जाकर कभी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनंत गुण हो जाते हैं। और सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, निशाचर जाओ, क्योंकि तुमने हमको ईश्वर के पास जाने से रोका है, असुर बन जाओ। अब जय विजय को लगा कि ये तो हमको अपराध हो गया और उन्होंने विनती की, प्रार्थना की, तो श्राप तो था 7 जन्म का कि 7 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे पृथ्वी पर जाकर के। तब जय विजय ने प्रार्थना की, प्रभु हमसे अपराध हुआ है लेकिन आप संत हैं और संत का स्वभाव कोमल होता है। तब उन्होंने कहा कि 3 जन्म तक हम तुमको परिणित कर देते हैं। तो 3 जन्म तक वो राक्षस बने। पहले जन्म में क्या बने? हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष। दूसरे जन्म में जय विजय क्या बने? रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त। कौन सा नहीं था? शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में ये जय विजय अवतार लेते हैं। अब भगवान दौड़ करके आए हैं। देखिए, यदि भक्त कोई गलती कर देता है ना तो भगवान सुधार देते हैं। यद्यपि भगवान समदर्शी हैं, सबके लिए बराबर है, लेकिन यदि भूलवश कभी अज्ञानवश ऐसी गलती भी हो जाती है तो भगवान आकर के उसको सुधार देते हैं। भगवान आए दौड़ करके और ब्राह्मण को प्रणाम करके कहने लगे कि आप तो हमारे इष्ट देव हैं। देखिए, सनकादिक ऋषियों से भगवान कह रहे हैं कि मैं आप जैसे संतों को ही स्मरण करता हूं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, दरे दे नहीं आननी हो रे। भगवान का ये वचन है। भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसलिए सनकादिक ऋषियों के श्राप के द्वारा रावण का और कुंभकर्ण के रूप में उनका अवतार होता है और उनके उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। हम कहा भगवान भक्तों की बिगड़ी बनाते हैं। बोले, प्रभु मरेंगे तो आपके हाथ से। फिर तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने एक तो अवतार लिया, दो अवतार लिए, एक तो वाढ़ा के रूप में और एक नरसिंह के रूप में। रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए राम जी के रूप में और दंत भक्त और शिशुपाल को वध करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। वही है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही जगत के आधार है। इसलिए ना अपने मन में 50 बार धीरे धीरे भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। बार बार अपने मन को आंख बंद करके भगवान के चरणों से निपट जाना चाहिए। वो आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है, आपको ही प्रेरित करना है। भगवान संभालते अच्छे से। इस रूप में उनका अवतार हुआ
जो चरणों को भगवान की पकड़ेगा ना, अनन्या चंद चंदो यंतो माम ये जना परि उपासते तेषा नित्ता भी युक्ता नाम योग क्षेमम वहां निहां। बोले मैं हूं, मैं वहां कर रहा हूं। ये तो LIC का है ना बोर्ड, योग क्षेमम वहां निहां, यहां से लिया गीता से। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे we'll be right back.
भागवत में इनकी कथा विस्तार से आती है। और जब हम भागवत की कथा कहते हैं तो उस समय ये प्रसंग उन लेते हैं कि प्रियव्रत उत्तानपाद इनके पुत्र थे, और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। वो कथा पे भागवत में विस्तार से, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ने राज किया, और जब वृद्धावस्था आ गई तब उन्होंने अपने पुत्रों को राज दिया और दोनों वनवास को चले गए, वन को चले गए, तीर्थों में चले गए। वो नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के, बड़ा सुंदर तीर्थ है, वहां गोमती नदी के तट पर उन्होंने स्नान किया। ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनियों ने उनको घेर लिया और उन्होंने उनसे विनती की कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। देखिए ये कथा का कुछ संकेत मैं आपको बीच बीच में देता जाता हूं कि संसार में हम रहते हैं, लेकिन संसार में हमको कितना कब क्या करना है और कब बाहर आना ही पता होना चाहिए, वरना बुढ़ापे आ गया और घर नहीं छूट रहा था
बाल बच्चों का मुंह नहीं छूटता है। हो ही न विषय विराग, भवन बसंत बा चोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। मनु के मन में यह भाव आया कि हमें अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, लोगों को पूरा जीवन चला जाता है, उनको कभी ये लगता ही नहीं है कि भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं। हम भगवान से प्रेम करें और मनु शत्रुपा को लगता है कि हमारा जीवन चले गया, लेकिन भगवान में अनुराग ही नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहां परंपरा थी कि जब वानप्रस्थ जीवन जब प्रवेश करते थे तो वहां जाकर के वो अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देते थे। ये ईश्वर के हवाले कैसे करते हैं? बोले आप जो भगवान जैसे रखेगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब कैसे भगवान करते हैं क्या? अब देखिए भगवान भी देखता रहता है आपको। अच्छा आप कर लो, जब तक हमको अपना बल होता ना तब तक भगवान पीछे खड़े रहते हैं। जैसे ही हम भगवान का अपना बल भूल करके भगवान को याद करते हैं तो भगवान आ जाते हैं। द्रौपदी को लगा कि आएंगे, लेकिन जब उसने अपने हाथ ऊंचे कर, इसलिए हम कहते हैं नमक पार, ये हाथ ऊंचा करना क्या है कि समर्पण सिलेंडर, ये हाथ ऊंचा करना है, ये आप नहीं समझिए। ये हाथ हम ऊंचे करके कहते हैं कि प्रभु, इसलिए जब पुलिस भी पकड़ने आती तो बोले हाथ ऊंचे करो हैंड्स अप, मतलब आपको समर्पित होना है, आपको कुछ करना नहीं है। समर्पण की वृत्ति जब हमारे मन में आ जाए उसे पता नहीं होता कि आज क्या खाएगा, उसको आज पता नहीं है कि उसको आज क्या मिलेगा। और वो वानप्रस्थ वाला जीवन जब मनुष्य प्रवेश करता है, ऐसे मनु और शत्रुपा ने जब भगवान के तट पर गए और भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण किया, तो अब श्रवण करने के बाद उनका मन भगवान में लग गया। ये प्रोसेस है, पहले त्याग किया और त्याग करने के बाद जब वैराग्य आया और वैराग्य आने के बाद भगवान में अनुराग आया। और फिर उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि अब हम उस ईश्वर को देखेंगे, हम उस ईश्वर को देखना चाहते हैं। और उन्होंने कठोर तप किया, भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण प्रारंभ कर दिया और द्वादश मंत्र जो है, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु आए
तब भी इनकी साधना कम नहीं हुई। उसके पश्चात भगवान शंकर आए, दंपतियों से कहा कि वरदान मांगो, लेकिन दोनों अचल रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के उनको कहते हैं कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, तो भी वो विचलित नहीं हुए। बड़े आश्चर्य की बात है, जब ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जी आए हैं, शिव जी आए, तब तो उनको वरदान मांगना चाहिए था, तब भी उनके मन में एक ही भावना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस ये निरंतर विस्मरण का बना रहा, और तब आकाशवाणी हुई। अब भगवान नहीं आए, अब सगुण रूप में भगवान नहीं आए, और आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो, और उस अमृतमयी गंभीर वाणी ने जैसे ही उनके श्रवण में प्रवेश किया तो उनके शरीर हष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आ रहे हो। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ध्यान रखना, असंभव को भी संभव भगवान कर सकते हैं। और आकाशवाणी सुनकर के उन्होंने अपने नेत्र खोले, बोले देख करके नहीं, सुन करके नेत्र खोले, और तब उन दोनों ने दंपतियों ने कहा, जो स्वरूप शिव मानस हंसा, बोले जो शिव जी के हृदय में विराजमान प्रभु की मूर्ति है, जो काकभूषण जी जिसका निरंतर जप करते रहते, ऐसे उस रूप की हम दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। अब शिव जी के मन में भगवान का कौन सा रूप है, बोले राम रूप। काकभूषण जी के मन में कौन सा रूप है, राम रूप। बोले उस रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी विष्णु महेश ये भी उन्हीं के रूप है, लेकिन भक्त का एक आग्रह होना चाहिए कि मुझे इसी रूप में भगवान के दर्शन हो। यद्यपि भगवान है कि चाहे कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन राम और कृष्ण के रूप में भी हमें कौन सा अधिक प्रिय है, ये आपकी अपनी अपनी इच्छा हो सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर के उन्होंने भगवान को प्रणाम नहीं किया, बाकी बिहारी जी का मंदिर, लोगों ने कहा कि गोस्वामी जी आप भगवान को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे, आप भेदभाव करते हैं, राम और कृष्ण को अलग अलग समझते हैं, तभी तो आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा और वो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है और आप सबको बड़ा विदित होगा, कहां कहूं छवि आपकी भले विराजे नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बाण लो हाथ। गोस्वामी जी तो जानते हैं कि यही राम है, रूप तो वही है, इनको तो बस बांसुरी की जगह धनुष लेना है, यदि उनमें भाव होगा भिन्नता का तुझे नहीं कहते, उनको मालूम है कि कृष्ण ही है,
यही राम है। और राम रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूं, इसलिए भक्त का आग्रह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ठीक है, हम शिव को भी पूजते हैं, राम को भी, कृष्ण को भी, लेकिन भक्त के मन में एक मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, बस वो मूर्ति उसी रूप में सब जगह को दिखाई दे। सी राम मैं सब जग जानी। शिव जी को भी देखे ना तो उसको लगना चाहिए कि मेरे राम शिव को प्रेम करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। कृष्ण को भी देखे तो उसको लगना चाहिए कि कृष्ण के रूप में वही तो मेरे राम जी हैं। भक्त का आग्रह होना चाहिए, इसीलिए इनका आग्रह था कि हमें तुम तो आप राम रूप में ही दर्शन दीजिए। और तब भगवान प्रकट हो गए, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, नील सरोरु नीलमणि, नील रूप में नील दर्शन साम। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, जानकी जी के साथ में प्रकट हो गए और देखते ही दोनों दंपति भगवान के चरणों में दंडवत गिर पड़े। चरण पकड़ करके भगवान के मनोहर रूप के दर्शन को अपनी आंखों से पीने लगे। कई बार हम दर्शन करके आते हैं, हमको यही पता होता कि भगवान आज क्या करते, बोले इतनी भीड़ थी कुछ पता ही नहीं चला कि क्या है। वो आंखों से पीना चाहिए। भगवान के दर्शन करने के बाद वो जो बाहर की मूर्ति है ना, वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाना चाहिए। दोनों दंपत्ति प्रेम में मगन हो गए। तब भगवान ने उनको उठा लिया, उठा करके कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो। मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो कल्प वृक्ष हैं, सूर्यधेनु हैं, अरे आप क्या नहीं कर सकते हैं, आपके लिए सब संभव है, लेकिन हमको मांगने में थोड़ा सा लग रहा है। उन्होंने भगवान ने कहा मुझे महादानी मानो, महादानी समझ कर जो तुम्हारे मन में संकल्प हो वो मांग लो। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, यदि तुम कहते कि भगवान आप पुत्र बनकर के आ जाओ तो मैं कहता हूं कि मैं आ जाऊंगा, पर तुम कह रहे हो कि मेरे समान पुत्र चाहिए। अब भगवान के समान कौन है, भगवान तो अद्वितीय है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं चार अंश में तुम्हारे यहां अवतरित होऊंगा। और भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन तुमने कहा ना मेरे समान, तो मेरे समान भरत जैसा अंश भी अवतरित होगा। शत्रुपा से कहा कि देवी तुमने भी कठोर तप किया है, तुम भी वरदान मांगो। तो शत्रुपा जी ने कहा कि जो इन्होंने मांगा है ना वो मुझे कोई मंजूर है, वो स्वीकार है, लेकिन प्रभु वो एक बात मेरी और आप जोड़ दीजिए। बोले क्या, बोले लेकिन जो मेरी मति होगी, मेरी जो गति होगी, मेरी जो रति होगी, वो बस आप में ही हो। कितनी बड़ी बात, मेरी मति गति और रति आपके चरणों ही है, ये आप मुझे वरदान दीजिए। इसीलिए भगवान ने बाल रूप में जब लीला करी तो विराट रूप कौशल्या जी को दिखाया, दशरथ जी को नहीं दिखाया। दशरथ जी ने तो फिर ये वरदान मांगा था कि प्रभु मेरी तो आप में इसी प्रकार से
प्रेम हो जैसे एक पिता का पुत्र के प्रति, मैं आपको भगवान नहीं मानू, मैं तो आपको पुत्र रूप में ही मानू। भगवान से संबंध बनाइए। ये कथा तो भगवान से संबंध बनाने वाली कथा है। हमने भगवान को क्या बनाया है? कुछ बनाया कि नहीं बनाया? पुत्र बना लो, पिता बना लो, गुरु बना लो, भाई बना लो। भगवान सब संबंध बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। और तब मनु और शत्रुघ्न को वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती राम जन्म के अवतार का दूसरा कारण यह है, मनु शत्रुघ्न का वरदान। अब भगवान शंकर तीसरी कथा कहते हैं कि भगवान के राम अवतार का तीसरा कारण है जलंधर, और उसकी पत्नी थी वृंदा। तो वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये जलंधर बड़ा महावीर असुर था और किसी के मारे मरता नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। यदि घर में कोई पुण्यशाली व्यक्ति रहता है तो उसका पुण्य पूरे घर को मिलता है, ध्यान रखना। एक पुण्यशाली व्यक्ति भी परिवार के सब सदस्यों को सुख दे सकता है, क्योंकि जो पुण्य कर्म होते हैं सबके सहयोग से ही तो होते हैं। क्योंकि आपको पुण्य कर्म करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो तभी प्राप्त हुई है जब आपके परिवार के सदस्यों ने आपके लिए सहयोग दिया है। तो वृंदा जो तप जब पूजन पाठ करती है ना, उसका पुण्य किसको मिलता है? जलंधर को। तो इसलिए वो किसी के मारे मरता नहीं था, उसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। और उसके आकर्ष से जब घबरा गए तब भगवान ने एक छल किया। क्या छल किया? उन्होंने जालंधर का रूप बना लिया और जालंधर का रूप बना करके वृंदा के पास आ गए और वृंदा तो पतिव्रता स्त्री थी, कभी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। तो उसने जाकर के अपने पति को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही उसका वो पतिव्रत धर्म भंग हो गया। तो भगवान की लीला है। वो क्या भंग? वो तो भगवान के द्वारा ही संकल्प होते हैं और भगवान चाहे तो संकल्प को हटा भी सकते हैं। संकल्प ईश्वर करता है, संकल्प हमारा थोड़ी होता है। ईश्वर चाहते थे कि संकल्प उसका टूटे तो इसने तोड़ दिया। और तब वृंदा को लगा और तब उसने भगवान को श्राप दिया कि आपने छल करके मेरे पतिव्रत धर्म का व्रत भंग किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि एक दिन आपको भी जिस छल कपट से आपने मुझे छला है ना, तो आपकी पत्नी को भी कोई छल कपट करके हरण करेगा। आपको भी इस प्रकार से पति से वियोग, पति पत्नी से वियोग करना पड़ेगा।
इसलिए उस वृद्धा के श्राप को स्वीकार करके भगवान ने जब सीता हरण हुआ ना, ये इसी का कारण बना है वृद्धा का श्राप। जो कई कारण होते हैं, तो तीसरा कारण वृंदा के श्राप का, भगवान का अवतार का कारण बना। अब चौथा कारण भगवान शंकर कह रहे हैं, कि एक बार देवऋषि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद नारद श्राप दीन एक नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। बोले भगवान को श्राप दिया किसने? नारद जी ने। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, दिन रात नारायण नारायण करते हैं, हरि का स्मरण करते हैं, और वो तो मुनि हैं। और मुनि भी कैसे हैं? बोले ज्ञानी मुनि हैं। तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। अब इनके तो गुरु हैं, पार्वती जी के गुरु कौन है? कल की कथा हुई थी ना, अब जो कल नहीं आया उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, इसलिए कथा में रोज आइए, क्योंकि कथा की लिंक रोज बनेगी। हम आपको इस कथा के प्रसंग से जुड़ाते रहेंगे, इसलिए मिस मत करिए। तो कल की कथा में गुरु कौन थे? पार्वती जी के नारद जी। तो उनको लगा कि मेरे गुरु तो नारद जी हैं, अब नारद जी ने श्राप दिया है, तो इसका कारण ये हुआ कि कोई ना कोई अपराध भगवान ने किया हुआ। देखिए कोई किसी को श्राप कब देता है? जब सामने वाला अपराध करे। अब यहां पर गिरिजा बड़ी चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनी बाली, गिरिजा चकित भई सुनी बाली, नारद विष्णु भगत सुनी बाली, नारद विष्णु भगत सुनी कारण कवन श्राप मुनिना, कारण कवन मत बताइएगा, क्योंकि मेरी गुरु की कथा है। तो क्या अपराध किया भगवान ने बताइए? और भगवान शंकर को हंसी आ गई, बोले बियसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहिं जब
सो तस तेही छन होई। भगवान शंकर को हंसी आ गई कि पार्वती ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, भगवान जब जिसको जैसी बुद्धि दे देते हैं ना वो उस क्षण वैसा हो जाता है। ये तो भगवान चाहते थे कि उस समय नारद जी की बुद्धि ऐसी हो जाए तो ऐसी हो गई। सबई नचावत राम गोसाई उमा दारु जोश की नाई, सब भगवान नचावे। कभी 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 हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी मूर्खों जैसी बात कर देता है, वो कभी कभी मूर्ख भी विद्वान जैसी बात कर देता है। ये कौन चला रहा है, ये कौन बुद्धि दे रहा है? बोले कोई देने वाला तो और ही है। सबई नचावत राम गोसाई, तो शंकर जी को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि पार्वती तुम कहती हो कि मुनि ज्ञानी है, नारद जी क्या है? ज्ञानी मुनि है। तो बोले भगवान ने उनको उस समय ऐसी बुद्धि कर दी तो वैसे बन गए। तो बोले प्रभु मुझे कथा सुनाइए किस प्रकार से नारद जी ने श्राप दिया। तो भगवान ने कहा कि सुनो वो पवित्र कथा में तुम्हें कह रहा हूं। एक बार देवऋषि नारद जी भगवान का स्मरण करते करते हिमाचल पर्वत पर पहुंचे जहां से गंगा जी बह रही है, गंगोत्री पवित्र धाम, जहां परम रम्य गंगा जी प्रवाहित हो रही है। ऐसे पवित्र सुरम्य मनोहर स्थान पर जब नारद जी पहुंचे तो उनका मन भगवान में लग गया। श्रीमन नारायण 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 कि वो कहीं भी दो घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते, लेकिन भगवान में मन लग गया तो श्राप की गति बाधित हो गई और उनकी अखंड समाधि लग गई। अब जब नारद जी की समाधि लग गई तो स्वर्ग के देवता स्वर्ग के राजा इंद्र को खलबली मच गई। अब तो कहीं से लेना देना नहीं है, लेकिन इंद्र को लगा कि कहीं देवऋषि नारद जी मेरा पद तो नहीं चाहते हैं। अब देखिए, और इंद्र के मन में ये भावना आई कि कहीं ये इंद्र बन गए तो उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा जाओ देवऋषि नारद जी की समाधि भंग कर दो। बड़ी अद्भुत बात। अब देव ऋषि नारद जी भगवान के स्मरण में विराजमान है, कामदेव आया है और कामदेव ने अपने प्रिय मित्र वसंत को याद किया और वसंत के आगमन होते ही पुष्प खिल गए, पल्लवित हो गए, कोयल कुहू-कुहू करने लगी, शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी, अप्सराएं गान करने लगी, नृत्य करने लगी,
कामदेव ने इतना प्रभाव डाला, लेकिन उसके बाद भी नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। अब देवऋषि नारद जी की समाधि भंग ना होते देख करके कामदेव घबरा गया और जाकर के उसने उनके चरणों को पकड़ लिया। प्रभु क्षमा चाहता हूं, आप संत हैं, संत के संकल्प को मैं तोड़ना चाहता था, कहीं आप मुझे श्राप मत दे देना। क्योंकि जब शिव जी की समाधि भंग करने के लिए मैं गया था, तब तो शंकर जी ने मुझको भस्म कर दिया था, और कहीं भक्त ने भी मुझे भस्म कर दिया तो फिर मुझे कहीं अवतार लेना पड़ेगा, तो प्रभु मुझे पहले ही क्षमा कर दीजिए। देवऋषि नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो कर रही भलाई। संत का स्वभाव होता है जो उसका बुरा करे वो उसका भी भला करता है। तो नारद जी ने उसको क्षमा कर दिया। अब जाते जाते कामदेव ने एक काम किया, क्या किया, नारद जी की प्रशंसा कर दी। बोले नारद जी वाह क्या बात है, आप तो एक तो भगवान के भक्त हो, दूसरे आपके मन में कोई कामना नहीं है, और दूसरा आपके मन में लोभ भी नहीं है, आप इंद्र का पद नहीं चाहते ना, इंद्र को लगा कि आप चाहते तो आपके मन में ना काम है ना लोभ है, और आपको क्रोध भी नहीं आया है, आपने मुझ पर क्रोध भी नहीं किया, तो इसका अर्थ हुआ कि आपने काम और क्रोध और लोभ को जीत लिया है, आपकी जय हो। और ऐसा कहकर कामदेव, देखिए अब जो काम वो जो करना चाहता था उसने कर दिया, जो काम उससे वसंत को याद करके अप्सराओं को याद करके जो करना चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन प्रशंसा कभी कभी मनुष्य को गिरा देती है। और नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या बात, प्रशंसा सुनकर कई बार मन में गुदगुदी होती है कि वाह हमने अच्छा काम किया, लेकिन ध्यान रखना जो भी मिले उसको भगवान को स्वीकार देना। बोले तेरा तुझको जब भी निंदा भी हो तो भगवान के पास भेज देना, अपने पास मत रखना, वो प्रशंसा भी हो तो अपने पास मत रखना, भगवान की कृपा की इसलिए भजन हुआ है, भगवान की इच्छा की इसलिए अच्छे काम बने, हमारा साधन में तो भगवान का ही पक्ष चलना चाहिए, अपने को आगे कभी मत करना, भगवान को आगे रखना। अब नारद जी ने सोचा कि चलो आज हम शंकर जी के पास चलें और उनको भी बता दें कि तुम्हारे समकक्ष भी कोई आ गया है, क्योंकि शिव जी ने काम पर विजय प्राप्त की है, और आज नारद जी को लगा कि आज हमने भी काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तो चलो शंकर जी से कहे कि प्रभु आप अकेले नहीं रहे, आज तो आजकल रिकॉर्ड तोड़ने वाली परंपरा चल रही है ना, अयोध्या में इतने दीपक जले तो हमारे उज्जैन में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ तो नारद जी को लगा कि हमने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, शंकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने कामदेव को भस्म किया तो आज हमने भी काम के ऊपर विजय तो प्राप्त कर ही नहीं है, भस्म नहीं तो, और बल्कि उनको लगता है कि हम तो शिव जी से भी आगे हो गए। अरे शंकर जी को तो क्रोध भी आ गया था, लेकिन हमको तो देखिए क्रोध भी नहीं आया, मैं तो शंकर जी से एक कदम और आगे हूं। अरे भाई यही गलती कर गए नारद जी। अरे मन में जिसके राम हो वहां कभी काम रह सकता है भला, जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, और तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी इकठाम, दिन और रात कभी साथ में नहीं रह सकते, और यदि राम साथ में तो फिर काम नहीं रह सकता, और यदि काम है तो फिर वहां राम नहीं रह सकते। आज
राम की जगह नारद जी के मन में काम आ गया। बड़े अच्छे की बात है। और शंकर जी का क्रोध करना तो जायज था, शंकर जी का क्रोध करना तो उचित था, क्योंकि वो काम अपनी जगह मनाना चाहता था। यदि काम आ जाए तो उसको जलाकर भस्म कर दो। काम को जला करके शंकर जी ने तो उचित ही किया था, लेकिन देवर्षि नारद को लगा कि मैंने तो क्रोध भी नहीं किया। और शंकर जी के पास आए, शंकर जी ने उनको पूछा कि देवर्षि नारद जी आए हैं, भक्त आया है, संत आया है, स्वागत किया। शंकर जी को लगा कि भक्त आया तो भगवान की कथा कहेंगे, लेकिन आज नारद जी ने भगवान की कथा छोड़ करके काम की कथा कहना आरंभ कर दिया। राम की कथा छोड़ करके जिस प्रकार से उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की थी, वो सब कथा शंकर जी को कह सुनाई। अब शंकर जी तो जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन जगत गुरु। शंकर जी ने कहा कि नारद जी, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, जिस प्रकार से आपने मुझे कथा कही है ना, वो भगवान को जाकर के मत सुनाइए। जगत गुरु है शंकर, वो समझ गया रोगी को रोग क्या हो गया है, इनके मन में काम आ गया। और शंकर जी ने मना किया तो नारद जी के मन में उल्टा भाव ये आया कि ये चाहते कि हमारी प्रशंसा ना हो, उल्टा अर्थ लगा आदमी। सुमत कुमत सबके उल गए यही, नाद पुराण निगम सक यही, जहां सुमत था संपत्ति नाना, जहां कुमत विपत्ति निदाना। अब देवर्षि नारद जी के मन में ये आया कि शंकर जी चाहते नहीं है कि मेरी भी प्रशंसा दुनिया में हो, इसलिए मुझे कह रहे कि मत कहना। तो उन्होंने भगवान शंकर की बात को अनसुना कर दिया और वहां से चल दिए। ब्रह्मलोक पहुंचे और कुछ समय बाद देवर्षि नारद जी क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। नारायण 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 पहुंचे। और जैसे भगवान ने दूर से देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो उठ के बैठा हो गए, खड़े हो गए, स्वागत किया, वंदन किया और अपने पास बिठा लिया। आज शेष शैया पर नारायण के साथ नारद जी भी विराजमान हो गए। और नारद जी से भगवान ने पूछा कि मुनि, बहुत दिनों बाद कृपा करी, इतने दिनों से कहां थे? भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या बताएं, और पूरी वो काम का चरित्र जिस प्रकार से उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की थी वो भगवान को उन्होंने सुना दिया। यद्यपि शंकर जी ने उन्होंने मना किया था तो भी उन्होंने सुना दिया। अब भगवान ने रूखा मुंह किया कि देवर्षि नारद जी, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरे आपके नाम के स्मरण करने से ही लोग इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आप स्वयं इतने भक्त हो तो आपकी जय हो। भगवान ने प्रशंसा कर दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, क्या बात। अब देखिए शिवजी का व्यवहार जो है वो शंकर जी और विष्णु से भिन्न है। देखिए शंकर जी ने मना किया लेकिन भगवान ने प्रशंसा कर दी।
यद्यपि शंकर जी ने कहा था कि ये तो राम कथा बन सकती है, ये आपने जो काम पर विजय प्राप्त किया ना, अवगुणों पर जो आपने विजय प्राप्त की, ये तो बहुत बड़ी राम कथा बन सकती है कि देखो किस प्रकार से भगवान ने सहायता की है और आपने इस दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की। लेकिन जिस प्रकार से नारद जी ने कहा तो भगवान के मन में आया कि इनके मन में कहीं ना कहीं अभिमान अंकुरित हो गया है, अभी बड़ा नहीं हुआ, केवल उसके क्या निकले, अंकुरित। नारद जी ने अभिमान से कह दिया ये सब प्रभु आपकी कृपा से है। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये भगवान की कृपा से है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम बार बार बोलते हैं भगवान की कृपा है, कई लोगों की आदत पड़ जाती है भगवान की कृपा है, वो अच्छी बात है भगवान की कृपा है, लेकिन आप सोचो हो कि आप भगवान की कृपा को स्मरण में कब ला रहे हो, ये जरूरी है। कई लोगों को हमने देखा है कि भोजन की थाली सामने आती है तो ऐसे टूट पड़ते हैं, और जब पूरा खाना हो जाता है भरपेट और मानो उस दिन उनको अच्छा सा खाना मिल जाए, मिष्ठान वगैरह जो चाहते हैं, फिर खाना खाने के बाद उनको भगवान की याद आती है और फिर डका लेकर के कहते हैं कि आ भगवान की कृपा है। हाँ, होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि जब थाली आए तो पहले भगवान को याद कर लो भैया, वो जगतनाथ जी को याद कर लो जो जगत को देने वाले, उस जगत के पिता को याद करके उसको प्रसाद मान करके तुम ही निवेदित भोजन करें। हाँ, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, उसको प्रसाद मानकर ग्रहण करो तो वो भोजन नहीं वो प्रसाद बन जाएगा। लेकिन नारद जी ने उल्टा कर लिया, पहले भोजन कर लिया फिर बाद में भगवान को याद किया और नारद जी चल दिए, और भगवान ने संकल्प किया कि मेरा तो प्रण है कि मैं अपने भक्तों का अहंकार अभिमान रहने नहीं देता हूं। भगवान का एक ही भोजन है अहंकार, वो अहंकार को ही खाते हैं, जिसके जीवन में अहंकार होगा भगवान उसको खा जाते हैं। और तब भगवान ने एक माया रची कि मैं ऐसा कोई लीला करूंगा जिसमें लीला भी होगी और मेरे भक्त का कल्याण भी होगा। तो एक पन दो काज भगवान ने करना चाहे तो उन्होंने ऐसी माया की नगरी का निर्माण किया जिसके रहने वाले नर और नारी कामदेव और रति के समान सुंदर थे। नारद जी जब जाने लगे तो मार्ग में जाते जाते जब ऐसे सुंदर नगर को उन्होंने देखा तो नारद जी को लगा कि अरे ये नगर के नर नारी कामदेव और रति के समान सुंदर है। वो नारद जी का स्वभाव है, वो तो घूमते रहते, वो लोग तीनों लोकों में घूमते रहते, तो उनको लगा कि अरे मैं इतने लोकों में घुमाऊं ये नगर तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो कौतूलवश नारद जी उस नगर में प्रवेश करते हैं और जब उस नगर के राजा के पास गए तो राजा ने उनका सम्मान किया, उनके चरणों को धोया, उनके चरणों को लेकर के पिया और उसकी राजा की कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी, क्या नाम था विश्वमोहिनी, उसको लाकर के नारद जी को दिखाया, प्रणाम ही करा। देखो यहां अलग बात है, कल तो प्रणाम कराया था हिमाचल में, हिमाचल लाते हैं पार्वती जी को और कहते कि प्रणाम करो, लेकिन यहां पर क्या करा उस राजा ने, उस विश्वमोहिनी कन्या को दिखाया। देख लो अब माया को देखना ही चाहिए, ये तो भगवान की माया थी साक्षात। और विश्वमोहिनी को देखते ही
नारद जी इतने मोहित हो गए कि उनकी अपने सुधबुद्ध भी वो भूल गए। नारद जी राजा कह रहे, नारद जी कहाँ हो? बोले हाँ। बोले महाराज इस कन्या के गुण कोष बता दीजिए। तब देव ऋषि नारद जी के विषय में कहा था, पार्वती के विषय में भी गुण दोष कहने के लिए, तो कल हमने वो देखा था। आज ये राजा भी कहता है कि इस कन्या के भी गुण दोष बताइए, पर यहां पर नारद जी ने जब उस कन्या के गुण दोष देखे तो गुण को देखा, दोष देखना भूल गए। और उन्होंने ये देखा कि इस कन्या से जो वर विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। इस कन्या से जो विवाह करेगा उसको रण में कोई जीत नहीं सकेगा। तो नारद जी के मन में आया कि क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। तो राजा ने कहा कि महाराज मेरी कन्या स्वयंवर कर रही है। पहली परंपरा थी ना स्वयंवर की, जिसमें कन्या स्वयं अपने वर का चयन करती है, तो ये मेरी कन्या भी क्या कर रही है? स्वयं अपने वर का चयन कर रही है। बोले अच्छी बात है, नारद जी खुश हो गए, प्रसन्नता की बात है। और नारद जी ने कुछ दो चार गुण अपने मन से बना करके वहां से चल दिए। बोले कब स्वयंवर कब है ये पूछते गए। बोले आज ही है, आज ही स्वयंवर होने वाला है। नारद जी ने कहा कि अरे अब समय कम है, अब क्या किया जाए, अब इस समय तो कोई तब जब भी नहीं हो सकता। इतनी सुंदर विश्व मोहिनी है जो विश्व को मोह ले, ऐसा सुंदर तो मुझे भी रूप बनना पड़ेगा ना, तो सुंदर रूप चाहिए, क्या करें? तो तुरंत ही जाकर के उन्होंने विचार किया, क्या करें क्या करें, भगवान के पास चलते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर तो मेरे श्याम सुंदर ही है, उनके जैसा सुंदर कौन है विश्व में? तो चलो भगवान के पास जाकर ही उनकी सुंदरता मांग ली जाए। और जब जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए, बीच में आ गए। बोले नारद जी कहो। बोले प्रभु आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आप अंतर्यामी हैं। प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं और विश्व मोहिनी कन्या को वरण करने के लिए मुझे सुंदर रूप की आवश्यकता है, इसलिए हे नाथ आपका जो रूप है वो मुझे दे दीजिए ताकि वो कन्या मेरा वरण कर ले। देखिए भगवान को मन में हंसी आ गई। बोले जिससे ये बच रहे थे आज उसी में ग्रसित हो गए, जिस काम पर इन्होंने विजय प्राप्त की आज उसी कामना को लेकर के मेरे पास आ रहे। इनके मन में लोभ नहीं था लेकिन आज उस कन्या को प्राप्त करने के लिए लोभ ही उत्पन्न हो गया। देखिए दो दोष आ गए, तीन पर विजय प्राप्त की थी, काम क्रोध लोभ पर अब दो का तो प्रवेश हो गया है, काम भी आ गया और लोभ भी आ गया कि कन्या को वरण करना है। और नारद जी ने एक बात बड़ी सुंदर कह दी, ध्यान रखना क्या कहा। नारद जी ने कहा जय विधि हो नाथहित मोरा, जय विधि हो करो सोने की।
मेरा कल्याण हो, आप जल्दी से वो कर दीजिए। हमको तो लग रहा कि मेरा तो हित इसी में है, आप रूप दे देंगे और मेरा विवाह हो जाएगा, तो बेकिस करम मुझे विलंब मत करना, ऐसा नहीं कि बाद में, जल्दी से बेगी, मैं आपका दास हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूं ना। तो ये बात सुनकर के भगवान ने कहा कि नारद हम तुम्हारा हित नहीं करेंगे। बोले भगवान आप मेरे हित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोले मैं तेरा परम हित करूंगा। भगवान अपने भक्त का हित नहीं करते, परम हित करते। और भगवान ने कहा जय विधि हो वही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु बचन नाम रशा। जय विधि होई परम हित, नारद जी मैं आपका हित नहीं परम हित करूंगा। यदि कोई व्याकुल रोगी उपच्य मांगे तो जो चतुर चिकित्सक होता है वो उसको देता नहीं है। हाँ, कोई रोग हो जाता है और डॉक्टर कहते कि आपको ये खाना नहीं है, उपच्य मांगे तो देता नहीं है। जब बच्चे को सर्दी हो जाए तो माँ उसको आइसक्रीम खाने को नहीं देती है। क्यों? वो रोता है, लेकिन माँ जानती है कि यदि इसको मैंने दे दी तो इसका रोग और बढ़ जाएगा, ये और बीमार, उसको पता नहीं क्या मांग रहा। उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि नारद जी आप जो मांग रहे हैं ना वो आपको बीमार करने वाली चीज है। आप कह रहे हैं कि आपका विवाह हो जाए, स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि परम हित होगा मैं वही करूंगा। लेकिन भगवान की इस अटपटी वाणी सुनकर के नारद जी को समझ में नहीं आया, उनको लगा कि भगवान कह रहे कि हाँ हाँ हित करेंगे तो मेरा हित हो गया समझ लो। और ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान ने उनको हरि का रूप दे दिया। और हरि का एक अर्थ होता है वानर, हरि का एक नाम भगवान स्वयं हरि, लेकिन हरि का एक अर्थ है वानर। भगवान ने वानर का रूप नारद जी को दे दिया, लेकिन यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सबने उनको नारद जी मानकर ही प्रणाम किया, लेकिन उस विश्व मोहिनी को ही वो वानर के रूप में दिखाई देते। सचमुच माया के सामने सब बंदर ही तो है। और तब देव ऋषि नारद जी को लगा कि भगवान का रूप मिल गया। वो स्वयंवर में आए जहां सब राजा लोग बैठे हुए थे, उस पंक्ति में जाकर के नारद जी भी बैठ गए। वहां दो शिवगण भी आए हुए थे और वो भी नारद जी के पास बैठ गए। अब नारद जी को लगा कि अब तो कन्या मुझे एक बार देख ले, बस देखने भर के लिए है, बस जैसे ही मुझे देखेगी कन्या सब राजाओं को छोड़कर केवल मेरे पास ही आ जाएगी, क्योंकि इतना सुंदर रूप मुझे मिला है। स्वयंवर की माला लेकर के विश्व मोहिनी जब सभा में आई तो सब राजाओं के मन में खलबली उत्पन्न हुई। और जिस राजाओं की पंक्तियों से स्वयंवर की माला लेकर के जब विश्वमोहिनी गुजरती है तो हर राजाओं के मन में उत्सुकता होती है और सब अपना गला आगे करते हैं। मैं लेकिन वो विश्वमोहिनी आगे बढ़ जाती है। वो नारद जी भी कुछ ऐसी चेष्टा करते कि वो एक बार मुझे देख ले। कई भक्ति ऐसे होते हैं कि अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कुछ पटांग हरकतें करते हैं, कुछ ध्यान जा नहीं रहा ना, और वो कुछ क्या करें कि
कि ऐसी हरकत करेगा लोगों का ध्यान जाए। तो यहां पर नारद जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, देख ही नहीं रही है, तो थोड़ा खड़े होते हैं फिर बैठ जाते हैं। हाँ, पहले एक फैशन चलती थी बड़े बड़े बाल की, हमारे तो बाल कम है, ये तो पहले लोग बार बार अपने बालों को ही कंघी फेरा करते थे। हाँ, लोगों को ध्यान जाता है ना यूं बार बार। देवऋषि नारद जी भी इसी चेष्टा करने लगे कि कन्या बस एक बार मुझे देख तो ले। अभी जो तो शिवगण बैठे हुए हैं ना, ये नारद जी की अवस्था देख करके हंसते हैं, व्यंग करते हैं और कहते हैं आपस में कि देखो हरि ने इनको क्या रूप दिया है। अब नारद जी उनकी वाणी सुन रहे हैं, अब उनकी बुद्धि तो काम से लोभ से ग्रस्त हो गई ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको लगता है कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। अटपटी वाणी सुनकर उनको लगता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, हाँ बड़े सुंदर रूप माया है इन्होंने, उनको लगता है कि हाँ होगा सुंदर रूप। विषमोहनी कन्या आई और उसी राजाओं के मध्य में भगवान भी राजकुमार रूप लेकर के आए हुए थे और उस विषमोहनी कन्या ने उस स्वयंवर की माला को भगवान के गले में चंद्र भगवान की। माया तो भगवान की हो सकती है भैया, मायापति तो भगवान ही है। और भगवान उस विष्णुमोहिनी कन्या को लेकर के चल भी दिए, तो चलो देर मत करो विलंब मत करो। अब यहां नारद जी अपन आ गए, बोले मुझको समझ नहीं आया। दो क्षण के लिए नारद जी को लगा कि मानो हाथ में आई मणि चली गई, किसी के पास पैसा हो और अचानक कहीं घूम जाए। तो नारद जी को लगा कि हाथ में आई विष्णुमोहिनी चली गई और व्याकुल हो गए। तब उस शिवगणों ने कहा कि जरा अपने चेहरे को अपने मुख को दर्पण में देख के तो आइए। और आज की कथा का प्रारंभ ऐसे हुआ था ना, देखिए आप लेटेड करते जाइएगा, दर्पण में देख के आओ। अब जब शंकर जी ने कहा, शिव के गुणों ने कहा और नारद जी के मन में यह भाव आया कि जाकर देखूं, तो उन्होंने दर्पण में मुख नहीं देखा, देखिए उन्होंने जल में अपना मुख देखा। इसमें देखा जल में परछाई आती ना अपने मुख की। अब जब तक हवा ना चले तब तक तो ठीक है, यदि एक लहर भी हवा की आई तो पानी क्या होता है, हलचल हो जाती, तरंगे आ जाती, तब अपने आप को आप ठीक से, यदि मन में आपके बहुत सारी चीजें चल रही है, कामनाएं चल रही है, तब आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाओगे। अपने आप को तभी आप देख पाओगे जब आपका मन कैसा होगा, स्थिर होगा, शांत होगा। अब नारद जी ने जब जल में मुख देखा तो उनका मुख वानर जैसा उन्हें दिखाई दिया, तो उनका क्रोध बढ़ गया, क्रोध आ गया कि मैंने भगवान से क्या मांगा था, सुंदर था और भगवान ने मुझे कैसा रूप दे दिया वानर का। तो क्रोध बढ़ गया और क्रोध में आकर के नारद जी चल पाए कि आज भगवान ने मेरी हंसी करा दी, आज जीवन भर मैंने नाम लिया और आज काम पड़ा और एक काम भगवान से मांगा वो भी भगवान ने मेरा पूरा नहीं होने दिया, या तो मैं जाकर के उनको श्राप दूंगा या तो फिर उनके चरणों में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वो नारद जी क्रोध में, देखिए
जिस नारद जी के मन में ना काम था, क्रोध था, ना लोभ था, अब नारद जी के मन में सब आ गए। वो केवल एक कारण बना, कौन सा? प्रशंसा। छोटी सी चीज थी, लेकिन उस छोटी सी चीज ने काम क्रोध लोभ सब ला दिया। विश्व मोहिनी के प्रति काम की भावना उत्पन्न हो गई, उसको प्राप्त करने की लोभ इच्छा उत्पन्न हो गई, और अब जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या आ गया? क्रोध आ गया। और नारद जी चले, जैसे ही वो दो शिवगण आए तो उनको श्राप दे दिया क्रोध में आकर के, कि तुमने हंसी करी मेरी, जाओ तुम दोनों शिवगण क्या बन जाओ? निशाचर बन जाओ। यही निशाचर बने हैं ये शिवगण, ही रावण और कुंभकर्ण बने। ये पहले भी शिवगण थे, इसलिए बाद में रावण भी शिवजी की उपासना करता ही है। नारद जी चले भगवान के पास, और जब क्रोध में जाने लगे तो क्रोध के मार्ग से कभी भगवान मिलते हैं क्या? जो क्रोध करेगा उसको क्या भगवान मिलेंगे? सुंदरकांड में तो कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरद के पंथ, सब पर है रघुबीर रही बजऊ बजे जे संत। अरे जो काम क्रोध लोभ करेगा वो तो कहा जाएगा नरक पे। गीता में तो भगवान ने इसको नरक का द्वार बताया है, लेकिन गोस्वामी जी इसको पंथ बताते, रास्ता है। जिसको नरक जाना हो ना वो इस मार्ग पर चले। कौन से मार्ग पर? बोले काम के, क्रोध के, लोभ के। जो इस काम क्रोध लोभ के लोग इसके मार्ग पर चलेगा वो नरक के पंथ पर चलेगा। लेकिन आज जिस पथ पर आज नारद जी चले जा रहे हैं, क्रोध के मार्ग पर, भगवान से देखा नहीं गया, और इसीलिए वो बीच में प्रकट हो गए कि कहीं नरक में चले जाए सचमुच। तो भगवान तो भक्तों के पक्ष में रहते हैं, बीच में ही प्रकट हो गए। बोले नारद जी आप कहां जा रहे हैं? अब जैसे ही नारद जी ने भगवान को देखा, उनका क्रोध और, बोले मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। अच्छा वो आप मिल गए यही? भगवान ने कहा अच्छा वो आप यही रुक गए, मैं चाह रहा था आप यही रुक जाए, क्योंकि आगे का मार्ग बड़ा खतरनाक है। और देखा तो भगवान के पास लक्ष्मी जी खड़ी हुई, और साथ में वो विश्व मोहिनी कन्या जिसके लिए नारद जी व्याकुल हो रहे थे, वो कन्या भी भगवान के पास खड़ी हुई। नारद जी को क्रोध और बढ़ गया, बोले तुम सबसे बड़े ठगी हो। भगवान को खूब कहा है, पढ़िएगा आप, सबसे बड़ा छवि हूं आप। आज आपने अच्छे घर बेना दिया है, अच्छे के पाले पड़े हो, अभी तक किसी ने आपको ठीक किया नहीं, मनमानी करते हो, स्वतंत्र हो, कोई कहने वाला नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ तब आपने स्वयं कौस्तुभ मणि ले ली, लक्ष्मी जी ले ली, अच्छी अच्छी चीज आपने रख ली, और जब उस अमृत मंथन में से जब विष निकला तो विष किसको दे दिया? शंकर जी को, असुरों को मदिरा दे दी। तुम बड़े स्वार्थी हो, देखो भगवान को याद कर दिए, बहुत कहा है नारद जी ने, क्योंकि क्रोध में भक्ति को पता नहीं होता कि वो क्या ले रहा है। क्रोध में अपनी वाणी को विराम नहीं देता मनुष्य, वो बोलता जरूर है, इसलिए क्रोध आ तो चुप हो जाओ। क्रोध का जीतने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि क्रोध आए तो बोलना मत, कि क्योंकि क्रोध के पुरुष प्रचंड बल, क्रोध का बल क्या है?
वचन ही है। और नारद जी ने भगवान को कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस रूप में आपने मेरे साथ छल किया है एक बार आपके साथ भी वही छल अवश्य होगा। जिस रूप को धारण करके आपने छल किया, राजकुमार बने थे ना, इसलिए आपको भी राजकुमार बनना होगा। आपने मेरा स्त्री से वियोग कराया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आपको भी स्त्री के वियोग में रहना होगा। और आपने मेरी आकृति किसी बनाई तो आपको वानरों के साथ ही रहना होगा। जब श्राप दिया तो भगवान ने अपनी माया वापस समेट ली। अपनी माया को समेटते ही लक्ष्मी जी भी गायब हो गई और वो विश्व मोहिनी भी अंतर्ध्यान हो गई। अब केवल भगवान बचे और नारद जी बचे। भगवान को हंसी आ गई, नारद जी आपको श्राप देना भी नहीं आता, अरे आपने श्राप दिया कि वरदान लिया, ये तो आपने मुझे भूमिका बता दी। और भगवान हंसकर कहा कि जो तो आपने कहा है मुझे स्वीकार। देखिए भगवान कितने भक्त वत्सल, भक्तों की बात भगवान रखते हैं, इसीलिए राजकुमार के रूप में भगवान का अवतार हुआ। नारद के श्राप के कारण सीता का हरण हुआ और भगवान का सीता से वियोग हुआ। और भगवान ने नारद जी के श्राप को स्वीकार करके वानर और कपियों को अपना मित्र बनाया, सखा बनाया, उनके साथ में रहे। भगवान तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बंदर कहां बैठते हैं? प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान तुलसी सीता नाथ सो साहिब सीन निधान। अरे स्वामी तो ऊपर बैठना चाहिए और सेवक नीचे बैठना चाहिए, लेकिन हमारे राम जी इतने भक्त वत्सल है कि अपने सर पर तो सेवक को बिठाते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार पर, और वानर को भी अपने समान पूज्य और पावन बना दिया। वानर को देखते तो हमको तो राम जी की याद आती है ना, हनुमान जी की याद आती है। तो भगवान तो सबको पवित्र पावन करते, और नारद जी को भगवान ने ये देख करके पसंद हो गए कि नारद जी आपने तो श्राप नहीं, मुझे तो वरदान दिया। और जैसे ही भगवान ने अपनी माया हर ली तब नारद जी को लगा कि मुझसे अपराध हो गया, अरे मैंने ये क्या कह दिया। और भगवान से कहने लगे कि प्रभु मेरा वचन वृथा हो जाए, मेरा वचन क्या हो जाए, झूठा, मैंने जो कहा वो नहीं हूं। भगवान ने कहा मम इच्छा कर दीन दयाला, नारद जी मेरी इच्छा से हुआ है। सचमुच भगवान की माया जब हटती है, जब नशा उतरता है ना, नशा रहता है, हर आदमी नशे में है संसार में, हर आदमी नशे में, किसी को किसका नशा, क्या नशा पता नहीं क्या, पद का नशा, धन का नशा, काम का नशा, क्रोध का नशा। अरे भक्त तो केवल एक ही नशे में रहता है, भगवान के नशे में। यहाँ नारद जी की जब माया उतरी तो उन्होंने भगवान से क्षमा याचना करी और बोले प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करिए। तब नारद जी ने जब विनती की तो शंकर जी ने तब भगवान ने कहा कि तुम शंकर जी के नाम का स्मरण करो। देखिए भगवान ने ही नहीं कहा मेरा नाम का स्मरण करो, बोले शंकर जगत गुरु है, तुमको शिक्षा भी उन्होंने पहले दी थी, तुमने उनका कहना नहीं माना, इसलिए नारद जाओ और शंकर सहस नाम का पाठ करो, शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। और ये चौपाई
जही पर कृपा न करई पुरारी, जही पर कृपा न सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। हे नारद जी, शंकर जी का जप करो। और नारद जी चले हैं, धूपानंद ध्यान हो गए। जब जाने लगे तो मार्ग में शिवगण आए, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु आपने मुझे श्राप दिया है, हम दोनों को श्राप दिया ना आपने। तो तब नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम निशाचर तो बनोगे, लेकिन साधारण निशाचर नहीं बनोगे, बलशाली निशाचर बनोगे। और भगवान के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। और ऐसा कर नारद जी चले हैं। और इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, भगवान के अवतार का एक कारण नारद जी का श्राप भी है। वाह, राम के अवतार का कारण कह करके अब भगवान शंकर राम जन्म के पूर्व रावण के अवतार की कथा कहते हैं। रावण के अवतार की कथा इस प्रकार से आती है कि रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु था। ये जो रावण बना है ना, ये कौन था? प्रताप भानु। और यही आगे चलकर के रावण बनता है। और ये प्रताप भानु तो राजा था, मनुष्य था, और मनुष्य होकर भी वो भटक गया और वो राक्षस बनना पड़ा। राम जी भी मनुष्य रूप में अवतार लेते और रावण भी मनुष्य ही था, लेकिन एक मार्ग तो वो है जिस पर चल करके हम राम के पथ पर जा सकते हैं, और दूसरी ओर एक मार्ग वो भी है जिस पर चल करके मनुष्य होकर भी मनुष्य राक्षस बन जाता है, असुर बन जाता है। आज भी हम समाज में देखते हैं ना कि जो घटनाएं घटती हैं इस देश में, जो अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कौन है? ये मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य होने के बाद भी इनके द्वारा राक्षस प्रवृत्ति जैसा कार्य हो रहा है, ये असुर ही है। और प्रताप भानु ये तो भगवान का भक्त था, लेकिन कपट मुनि के द्वारा उसके गलत मंत्रों की साधना द्वारा उसका पतन हो जाता है। और प्रताप भानु जब राजा बना तो वन में शिकार करने के लिए गया, और शिकार करते करते जब उसको वन में एक बाधा दिखा तो उसको मारने के लिए उसने तीर छोड़ा, लेकिन वो अपने आप को बचाता हुआ चलना निकला। और वन में भटकते भटकते राजा मार्ग भटक गया, वो अकेला पड़ गया। मनुष्य अकेला कब होता है ध्यान रखना। कई बार हम अकेले कमरे में बैठे हैं, उसको अकेला नहीं बोलते, क्योंकि उसका दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन मनुष्य अति अकेला कब होता है? अब देखो, ये गोस्वामी शब्द कह रहे हैं अति अकेला हो गया। अकेला कब है? जब कोई नहीं हो। लेकिन अति अकेला क्या होता है? हाँ, भीड़ में होकर भी हम अकेले हो सकते हैं। बोले इतने लोग हैं तो भी, हाँ,
अब अनजान शहर में आप चले जाओ, कोई जान पहचान नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ अकेले बोले इतने लोग हैं तो भी आप उन्हें नहीं। लेकिन अति अकेला कब होता है, जब वो मनुष्य भगवान को भूल जाता है। जब हम भगवान को भूल जाएं तब क्या हो जाएंगे, अति अकेले। अब संत महात्मा भी झोपड़ी में रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, पर वो अकेले नहीं होते, उनके साथ कौन होता है, भगवान। वो तो अकेले ही मस्त रहते हैं, घंटों घंटों साधना करते हैं भगवान की। वो तो हम जैसे लोगों को लगता है कि कहीं बाहर चले चले, कोरोना काल में तो कई लोग छटपटा गए, घर में नहीं पाए। अब जिसको बाहर जाने का, तो कैसे रखे घर में। इसीलिए कुछ साधना ऐसी करनी चाहिए कि कुछ समय तक हम केवल भगवान के साथ में हो, बस अपनी साधना को इतना बल देना चाहिए कि वहां केवल भगवान और हमारे अलावा कोई नहीं हो। और शुरुआत पहले आधे घंटे से करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। यहां प्रताप भानु अकेला पड़ गया, और अकेला नहीं अति अकेला पड़ गया, क्योंकि वो भगवान को भूल गया। वो जो भगवान को भूलेगा वो भटक जाएगा। कपटी मुनि के रूप में उसको एक तपस्वी मिला, और कपटी तपस्वी मुनि के पास जब प्रताप भानु, वो तो संक्षेप तो मैं कह रहा हूं, घना कथा तो विस्तार से, और उस कपटी मुनि के द्वारा मंत्रणा हुई कि तुम जाओ और तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और जो जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा वो सब क्या हो जाएंगे, तुम्हारे वश में हो जाएंगे। प्रताप भानु भगवान से नहीं मांगता है, वो कपटी मुनि से मांगता है। अरे मांगो तो किससे मांगो, भगवान से। और तब कहते हैं कि ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा प्रताप भानु को क्या बनना पड़ा, रावण। और यही प्रताप भानु रावण बन करके चारों ओर आतंक मचाता है। वो सबसे पहले ब्राह्मणों पर ही प्रहार करता है, क्यों, क्योंकि ब्राह्मणों ने श्राप दिया था ना उसको, इसलिए ब्राह्मणों को भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पे क्रोध करेंगे फिर वही उलट कर उसके पास आता है। और प्रताप भानु रावण बनकर के इतना आतंक मचाता है कि जहां धर्म की बात होती है, जहां शास्त्र की बात होती है, वहां पर जाकर को वो विघ्न उत्पन्न करता। और उसने अपने सब गणों को भी कहीं कह दिया कि जहां भी यज्ञ हो, तप हो, धर्म हो, शास्त्र की बात हो, वहां जाकर के विध्वंस करो। इसलिए सुबाहु महाविच तारका खरभूषण ये सब उसके गणों को भेज करके उसने अधर्म का फैलाया। रावण के अत्याचार से पृथ्वी कांपने लगी, भयभीत हुई, और पृथ्वी ने गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई और विनती की कि प्रभु हमारी रक्षा करें। बड़े बड़े पहाड़ों को मैं सहन कर सकती हूं, लेकिन मैं एक पापी का भार नहीं सहन कर सकती। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने तुमको बनाया है, जिसने मुझको बनाया है, हम उसी के पास चलते हैं। और शंकर जी के साथ में लेकर के सब कहां चले, भगवान के पास, उनसे विनती करेंगे, वही कोई ना कोई समाधान देंगे। भक्त केवल अपने भगवान से समाधान चाहता है, भक्त का लक्षण है। भक्त भगवान के पास जाता है, उसे कहता है कि समाधान करिए। कहां चले, कहां जाए, किसी ने कहा क्षीर सागर जाओ, वहां भगवान मिलेंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं
वो आजकल वैकुंठ में है, वहां चलो। किसी तीसरे ने कहा नहीं 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 साकेत में चलो। देखिए भगवान रहते कहां है, कोई कहता साकेत, कोई कहता वैकुंठ, कोई कहता है क्षीर सागर। भगवान शंकर कहते हैं वो सभा में मैं भी था और उन सबसे मैंने कहा कि कहीं मत जाओ। वो तो भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शंकर जी ने कहा कि भगवान तो सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। जो प्रेम से उन्हें याद करता है भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। हम जहां हैं वहां से भगवान को याद करना शुरू करते हैं। इसीलिए बड़ा सुंदर सूत्र उन्होंने दिया है, भक्ति के मार्ग पर चलिए। हमारे लिए जो मार्ग सुलभ है, कोई सेवा कर सकता है तो सेवा करे, क्योंकि मार्ग जितने हो सकते हैं ना अपने अपने। कोई ज्ञान के मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई ज्ञान कर्म के मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जो जैसे जिसकी जूसी रुचि है वैसा वो कर्म करे, ऐसा वो कार्य करें तो भगवान को प्राप्त करें। इसीलिए एक सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति सरल है कि कठिन है। हाँ, भगवान की भक्ति सरल है कि कठिन है। उन्होंने कहा कि कहूं भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक तप मख उपवासा। बोले भक्ति मार्ग में ना जप की आवश्यकता है, ना तप की आवश्यकता है, ना यज्ञ की आवश्यकता है, सरल मार्ग है। तो भक्ति मार्ग हमको लगता क्या है, सरल है। लेकिन दूसरी ओर गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिन है। बोले भगवान राम जी की भक्ति कैसी है, बोले कठिन है। बोले कठिन क्यों है, राम जी की भक्ति कठिन है, सरल नहीं है। एक ओर कहा सरल है और दूसरी ओर कहा कठिन है। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया है, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सुंदर दृष्टांत गोस्वामी जी विनय पत्रिका में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंगा जी की तीव्र धारा बह रही है। अब गंगोत्री जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि गंगा जी का प्रवाह वहां बहुत
बहुत तेज है। वहां यदि उस प्रवाह में आपने उंगली भी डाल दी तो करंट लग जाएगा। आप में से कई लोग तो गंगोत्री गए होंगे, वो जो नहीं गए होंगे वो जरूर जाइएगा। उस गंगोत्री में हमने उंगली डाली, करंट आ गया। इतना प्रमुख प्रभाव माँ गंगा जी का। तो गोस्वामी जी ने कहा इस गंगा जी की धारा की विपरीत दिशा में किसी को बहने को कहे। गंगा जी बह रही है और किसी से कहे कि इसकी उल्टी डायरेक्शन में बह के दिखाओ तो क्या वो तैर सकेगा? गंगा जी की विपरीत दिशा में विशाल काय हाथी को भी लिया जाए और उससे कहो कि तुम गंगा जी की विपरीत दिशा में बहो तो वो क्या कहेगा? कि मैं नहीं तैर पाऊंगा क्योंकि गंगा जी की धारा उसको भी। अब जो कार्य हाथी के लिए भी कठिन है वही कार्य हम एक छोटी सी मछली को कह दें। उस छोटी सी मछली को कहे कि क्या तुम गंगा जी की विपरीत धारा में बह सकती हो तो वो क्या कहेगी? हाँ मैं बह सकती हूं। तो जो कार्य हाथी जैसे विशाल है प्राणी के लिए कठिन है वो छोटी सी मछली के लिए क्या हो गया? सरल हो गया। ये गोस्वामी दृष्टांत दे विनय पत्रिका में। नमक और शक्कर को मिला के रख दिया जाए, नमक को और शक्कर को मिश्रण करके रख दिया जाए और किसी से कहो कि भैया इसको अलग अलग करो, इसमें से शक्कर विलग करो। कितना भी बुद्धिमान मनुष्य को ना हो नमक और शक्कर को अलग अलग करने में नानी आ जाएगी। लेकिन यही कार्य देखिए आप छोटी सी चींटी को बोल दो तो वो उस शक्कर के दानों को नमक में से शक्कर के दाने को बिन करके अलग झूठ बना लेगी और अलग कर लेगी। जो कार्य बुद्धिमान लोगों के लिए कठिन था वो छोटी सी चींटी ने कर दिया। इसलिए सरलता और कठिनता को मत रोजना। जो काम जिसके लिए निपुण होता है, जो जिस कार्य में निपुण हो उसको वही काम करने को दे दिया जाए तो वो सफल हो जाएगा। और जो जिस काम में कोई निपुण नहीं हो उसको वो काम कर देने को कर दिया जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा। वैवाहिक जगत में सफलता का सूत्र यही है कि जो जिस काम में कुशल है उसको यदि वो कार्य मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? सफल बन जाएगा। अब लता मंगेशकर क्यों बनी? क्योंकि उस काम में क्या थी? वो निपुण थी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में विख्यात क्रिकेटर हुआ तो उस काम में निपुण था। अब किसी का मन किसी काम में लगे नहीं उसको जबरदस्ती हम वो करवा दें वो सफल नहीं होगा। वैसे ही कोई भक्ति मार्ग पर चलने वाला है, कोई कर्म मार्ग पर चलने वाला है, कोई ज्ञान मार्ग पर चलने वाला है, कोई सेवा करके भगवान की सेवा करना चाहता है, जिसके पास जो है उसी प्रकार से वो भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब किसी का मन भगवान में लगता है भक्ति मार्ग में तो उस मार्ग पर चले। इसलिए सरलता और कठिनता में मत
सरलता कठिनता कुछ नहीं होती है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है और ना कोई व्यक्ति योग्य होता है, ये भी बताते हैं। ना कोई व्यक्ति योग्य है ना कोई व्यक्ति अयोग्य है, जिसको जिस काम में निपुणता थी वो एक कार्य मिल गया वो क्या हो जाता है, कुशल हो जाता है। शंकर जी यही सूत्र हमको दे रहे हैं कि जाओ भगवान को याद करो, उन्हीं का आसरा लो, उन्हीं का अवलंबन लो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। Thank you.
सदा चाहिए, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भक्त के मन में केवल यही होता है। और भगवान शंकर ने सूत्र दे दिया, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मिल जाना। सबने स्तुति की और भगवान आकाशवाणी हुई कि देवताओं निर्भय हो जाओ, रावण के अत्याचार से मैं मुक्ति दिलाऊंगा, मैं अवतार दूंगा, मनुष्य के रूप को मैंने पहले ही वरदान दे दिया है और उनके वहां मैं पुत्र रूप में अवतरित होगा। इस प्रकार से आकाशवाणी सुन करके सब देवता तुरंत ही अपने अपने लोग को जल्दी, नारद ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको भैया, भगवान ने कहा कि अवतार लूंगा तो तुम्हारा भी तो कोई फर्ज पड़ता है कि नहीं, हा? तुम भी तो कुछ योगदान दो कि दो। भगवान ने कह दिया कि अवतार लूंगा तो उसका अर्थ यह थोड़ी कि तुम कुछ नहीं करोगे, हमारी भी कोई ना कोई आहुति होनी चाहिए, हमारा भी कोई ना कोई एक भगवान का समर्पण भाव होना चाहिए। तो जाओ सब वानर रूप में धर्म रूप करो, जब भगवान आएंगे तो उनकी सेवा करना, और जितने भी देवता हैं वो वानर का रूप धारण करते, सब देवता वानर रूप धारण करके पृथ्वी पर चारों ओर फैल गए और भगवान की आने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान आए, कब आएंगे कब आएंगे। और चलिए अब हम भी चले भगवान की उस मंगलमय प्रतीक्षा में जहाँ अवध के लोग विराजमान हैं, अयोध्या की ओर चले, वहाँ राजा महाराज दशरथ और उनकी तीन रानियां कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा सब घर में हैं, सब सुख है, लेकिन राजा को पुत्र नहीं है, सब सुख है लेकिन मन में एक भाव है कि बुढ़ापा आ गया, संतान का सुख मुझे मिला नहीं। तो देखिए पहले के समय में क्या होता था कि जब भी कोई राजा को कुछ पूछना होता था या कुछ मांगना भी होता था तो पहले सदगुरु के पास जाते थे। तो महाराज दशरथ जी के मन में लगा कि मेरे पास गुरु की कृपा सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, तो तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे यहां सब कुछ है, पुत्र नहीं है, आप आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में पुत्र भी आ जाएंगे। जब विनती की प्रार्थना की तो उनका मन दृढ़ हो गया। देखिए संत की सेवा के द्वारा ही दृढ़ करना पड़ता है, सेवा की दृढ़ हुए तब उन्होंने श्रृंगी मुनि को बुलाया। श्रृंगी मुनि आई और श्रृंगी मुनि आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और वशिष्ठ जी आचार्य पद पर बैठे, वो प्रेम सहित आहुति दी और प्रेम सहित जब आहुति दी गई तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। वो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होकर के हाथ में चरू का प्रसाद देकर आए और महाराज दशरथ को हाथ में देकर कहा कि यथा योग अपनी पत्नियों में ये वितरित कर दी। महाराज दशरथ ने वो पात्र लिया और उस चरु के पात्र में से आधा पात्र आदि
खीर वो किसको दे दी? कौशल्या जी को। अब जो आधा भाग बचा उसके फिर दो भाग किए। देखिए आप ये प्रसाद बांटने की जो प्रक्रिया हुई उसका फिर आधा भाग किया आधे का, तो उस आधे भाग का जो भाग था वो किसको दिया? कैकेयी जी को। अब जो चौथाई भाग बचा उसके फिर दो टुकड़े किए और कौशल्या और कैकेयी को कहा कि ये हाथ में रखकर के सुमित्रा जी को दे दो। जब कैकेयी और कौशल्या के द्वारा प्रसाद दिया गया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे सम्मान दिया है तो मुझे जो संतान होगी मैं आप दोनों को समर्पित कर दूंगी। इसलिए एक पुत्र उन्होंने राम की सेवा में दे दिया और एक पुत्र भरत जी की सेवा में समर्पित कर दिया। और वो समय आ गया जो तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुद राम जन्म सुख मूल। योग ग्रह पार तिथि लगन है सब दो दिन नहीं मिलेगी आपको तो भी कथा नहीं कर पाते। तो भगवान अनुकूल होता है एकदम सब काम बन जाते हैं। और कहते हैं कि सुंदर शीतल मंद पवन लगी सब आनंदित होने लगे और चारों ओर मन प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भार होने के बाद भी यदि मन में प्रसन्नता है तो कई बार होता ना किसी के प्रति कोई भाव नहीं है ना दुर्भाव है ना किसी के मन में किसी के दोष है और मन में प्रसन्नता हो जाए तो समझ आज भगवान की याद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया तो कौन सी तिथि थी? बोला अष्टमी। और राम ने अवतार लिया तो रामनवमी। ध्यान रखना सोचे भगवान का एक भगवान ही है ये जो उसके आगे जुड़ू लगा है ये किसका सूचक है? बोले माया का ये जगत का नो आया। देखिए नो एकम नो तो आ गया नो दो अठारह तो एक और आठ नो नो दिया सत्ताईस तो दो सात नो नो चौक तीनों छः। बोले महाराज जी आपको बारह सेकंड में आए क्या? अरे मैं आपको पढ़े नहीं। नौमी करने क्या होता है? प्रणाम करना। और जिस तिथि में भगवान आ जाए वो तिथि को नमन। अब कोई भी तिथि आ जाए चाहे वो प्रतिपदा आ जाए द्वितीया आ जाए तृतीया आ जाए चतुर्थी आ जाए पंचमी आ जाए कोई भी तिथि क्योंकि तो हमको तो पता नहीं है ना कि कौन है। तो हम चैत्र बिल्कुल सही लेकिन यहां गोस्वामी जी चैत्र मास नहीं लिखा उन्होंने मधु मास लिख दिया। तो किसी ने कहा कि प्रभु ये मधु मास का अर्थ क्या है? बोले मधु है मधु ये रोज आता है रोज अभिजीत मूर्त आकर बताता है कि आप चाहें तो भगवान को बुला सकते नित्य ही ईश्वर का स्मरण करके हम भगवान को याद बुला सकते। पुष्पों की वर्षा भी प्रेम से करिएगा और क्रम से आकर ही यहाँ पर भगवान को समर्पित।
और सुर समुद्र की करी पहुंचे
तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम दाशरथाय धीमहि जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम अग्निसिताय धीमहि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सद्गुरु देवाय धीमहि तन्नो सद्गुरुदेव प्रचोदयात् ओ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जनान्तरकानि च प्रतिक्षणा पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गुरुदेव यदपूरितं महादेवं परिपूर्णं तदस्मि Thank you.